मिल गए सुशांत सिंह राजपूत के कातिल। आखिर फैसला हो ही गया और आखिर सरकार ने, कोर्ट ने, सीबीआई ने, जिनसे सारी जनता ने उम्मीद लगा रखी थी, उनको इंसाफ मिल ही गया। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल ही गया। आज इस वीडियो में उन कातिलों के नाम ही नहीं, उसके सबूत भी दिखाऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन एक प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो वीडियो की रीच कम हो जाती है और उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जो लोग आज हताश हो गए हैं, जो लोग हमें छोड़ के चले गए हैं, उनकी जरूरत अभी है, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। बताऊंगा सारे के सारे इस वीडियो में, सारे की सारी अपडेट। सीबीआई की डिमांड की थी 19 अगस्त को, तब से लेकर हमने बहुत कोशिश की, सीबीआई की आरटीआई वगैरह अप्लाई किया, सब कुछ किया, लेकिन पिछले 2 साल से 14 जून 2021 के बाद से सीबीआई ने कोई भी अपडेट देने से मना कर दिया था कि आरटीआई में हम नहीं आते। बहुत सारी चीजें हुई, एक पीआईएल दाखिल हुई थी जिसका फैसला 3 अक्टूबर को आने वाला था। 3 अक्टूबर को बोला गया था कि ये फैसला अब हम कुछ दिनों बाद देंगे, लेकिन ये हाथ तक है कि कोर्ट ने ये बोला था कि हमने सीबीआई को आदेश दे दिया और सीबीआई ने जो हमें फुटेज दिखाई है, सीबीआई ने जो हमें सबूत दिखाया है, उसके हिसाब से हमने आदेश दिए है। इस बीच में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया और बहुत सारी तफ्तीश हुई गई। मीडिया में ये नहीं आया है क्योंकि मीडिया को कोर्ट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन है कि मीडिया ट्रायल और सुशांत के बारे में तब बात की जाए जब सीबीआई अपना पूरा खुलासा करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो रिपब्लिक भारत पे दिखाया गया था कि कंपनी के पास है, वो क्लाउड में सेव है, और मैंने भी कई बार बताया था, वो सीसीटीवी फुटेज जब कोर्ट को मिला, कोर्ट ने सारे वो 5 लोगों के नाम देखे, और मैं आज इसी बारे में बताऊंगा। फोन लोकेशंस बात करता हूँ 5 लोगों की, अरबाज खान, इम्तियाज खत्री, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और शोविक चक्रवर्ती, इन 5 लोगों के साथ एकता कपूर की फोन लोकेशंस वहां पे मैच हुए, कोर्ट ने बोला है। दिशा सलेन के केस में भी और यहाँ के सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी। और अब सीसीटीवी फुटेज की बात, तो कोर्ट ने ये बोला है कि सीसीटीवी फुटेज में हमें इन सब के आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, कि क्योंकि 1.25 घंटे दिशा सलेन के घर में और 1.5 से 2.25 घंटे सुशांत के घर में ये कर क्या रहे थे, इसके बारे में सीबीआई को इंक्वायरी करने का आदेश दिया। सीबीआई ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाने के बाद अब आप बोलोगे दिखे नहीं हमें वहां पे, जरूर दिखे नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि ये मीडिया में नहीं आया, आपको कैसे पता चलेगा, और इनको चोरी छुपे बुलाया गया तो इनके वीडियो कैसे आएंगे, क्योंकि मीडिया तो वहां पे है नहीं, तो वीडियो निकालेगा कौन। और बहुत ही समझदारी से उन्होंने देखा कि आजू बाजू कोई नहीं है, ऑफकोर्स ये लोग कार में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और अचानक अपने सर मास्क वास्क पहन के अंदर घुस जाते हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सीबीआई को भी कोर्ट ने ये बोला था कि आराम से काम करो, कभी भी ये मत दिखाओ। लेकिन ये 5 लोगों के नाम तो आपको बता दी है, अब इसके ऊपर आगे की कार्रवाई क्या है, कातिल तो हमें मिल गए, कातिल तो सारे मिल गए, कोर्ट को मिल गए, अब रही बात सुनवाई की। अब सिर्फ 2 चीजें होने वाली है, इनका होगा स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, और वो हो चुका है स्टेटमेंट रिकॉर्डेड। अब होगा अगर स्टेटमेंट सही नहीं आया जिनके पास सबूत, और स्टेटमेंट ये सीबीआई ने कोर्ट को दे दिया है, अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है ऑफकोर्स, और उसके बाद जो झूठ बोलेगा उसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई होगी, या तो फिर नार्को टेस्ट होगा, और फिर अचानक ये होगा 2024 में फैसला। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दूं, इन 5 के नाम तो आ गए आपके सामने, सब कुछ आ गया, अब इंसाफ मिलने में ज्यादा देरी नहीं है। लेकिन आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, प्लीज सब्सक्राइब करिए और सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस में अपना योगदान दीजिए जिसमें आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, प्लीज शेयर दिस वीडियो, धन्यवाद।